नमस्कार दोस्त, असेसमेंट ईयर 2022-23 की आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 अब एक्सपायर हो गई। तो कुछ लोगों का प्रश्न मेरे पास ऐसे आया है कि अनूप जी, ये भी तो बताएं कि अगर मान लीजिए किसी वजह से हमने अपनी आईटीआर नहीं भरी और अब हमें लगता है कि हमें आईटीआर यू भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे मिले कि कब हमें आईटीआर यू भरनी है और कब आईटीआर यू भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी विषय को लेकर के दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष मैं हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपसे चर्चा कर रहा हूं अपडेटेड आईटीआर के की फीचर्स, यानी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे दिमाग में अपडेटेड आईटीआर से रिलेटेड है आपके समक्ष रखता हूं। कि अपडेटेड आईटीआर इज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल आईटीआर वेयर यू ईदर मिस टू फाइल आईटीआर और यू फाइल आईटीआर बट यू कुड नॉट रिपोर्ट प्रॉपर इनकम और प्रॉपर इनकम टैक्स देयर। यानी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना है कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपने आईटीआर भरी नहीं, पर आपके पास टैक्सेबल इनकम थी और आपको टैक्स पे करना था, या आपने आईटीआर भरी पर आप उसे रिवाइज नहीं कर पाए। अब बहुत सी बार ये भी देखने में आया कि 31 दिसंबर के आसपास ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सक्रिय हुआ, असेसीज एट लार्ज को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के मैसेजेस भेजे गए या उनको कहा गया कि आपका ई कैंपेन में कुछ मैटर पेंडिंग है उसको जाकर के देखिए। बाय द टाइम असेसी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर कर पाया, कुछ रिस्पॉन्स करता, 31 दिसंबर निकल गई। तो आपको ये इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या मेरी आईटीआर नहीं भरी जबकि मुझे भरना था, या मैंने आईटीआर तो भर दी पर उसमें प्रॉपर इनकम रिपोर्ट नहीं हुई। तो आपके लिए अपडेटेड आईटीआर एक सही जगह होगी। ये एक और फीचर ध्यान रखना है दोस्तों कि अपडेटेड आईटीआर लोगों को अखर क्यों रही है या लोग क्यों नहीं आईटीआर भरने के प्रति उतना उद्यत नहीं हो रहे आईटीआर यू फॉर्मेट से, वो इसलिए क्योंकि जो अपडेटेड आईटीआर का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना। ये एडिशनल टैक्स लायबिलिटी कैसे पे करनी है कि अपडेटेड आईटीआर वैसे तो फाइल हो सकती है दोस्तों अप टू 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आप कहेंगे अनूप जी इस बात को एग्जाम्पल से समझाएं, तो मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 इसकी लास्ट डेट निकल गई 31 दिसंबर 2022। अब आप 31 मार्च 2024 तक अपनी अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं प्रोवाइडेड आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25% एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हुए अपनी रिटर्न भरे। और अगर ये डेट भी निकल जाए तो आप 31 मार्च 2025 तक भी अपनी अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं प्रोवाइडेड आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 50% अमाउंट एज एडिशनल टैक्स देने को तैयार हो। यानी आप यदि इसके लिए सहमत हैं तो आपकी लास्ट डेट अभी भी बनी हुई है, और यदि आप इनके लिए सहमत नहीं है तो आपकी लास्ट डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो गई। ये इस बात को समझने का एक बहुत सरल तरीका मैंने आपके सामने रखा। तो अब इससे इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है या उनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है तो वो क्यों आईटीआर भरेंगे। देन उन्होंने आईटीआर नहीं भी भरी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और भरी लेकिन रिवाइज करने से भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती तो फिर अपडेटेड आईटीआर भरने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। अब बात करता हूं दोस्तों स्पेसिफिकली पॉइंट वाइज कि हु शुड फाइल अपडेटेड आईटीआर, किसको अपडेटेड आईटीआर भरनी है। मेरे दिमाग में दो व्यक्ति हैं। इफ योर इनकम रिमेन्स अनरिपोर्टेड, क्या आपकी इनकम है टैक्सेबल है पर वो अनरिपोर्टेड रह गई, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो इनकम अपनी रिटर्न में या तो बता नहीं पाए क्योंकि आपने रिटर्न नहीं भरी या रिटर्न भरी पर उसमें वो इनकम नहीं बताएंगे। इफ योर इनकम रिमेन्स अंडर रिपोर्टेड, नाउ अंडर रिपोर्टेड और अंडर रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड में फर्क है सर। अनरिपोर्टेड यानी इनकम बिल्कुल ही नहीं बताए, और अंडर रिपोर्टेड यानी आपकी इनकम तो थी मान लीजिए 17 लाख और आपने बताई डिपार्टमेंट को केवल 12 लाख। तो जब आप इन दो में से किसी एक केस में आते हैं तो आपको अपडेटेड आईटीआर भरने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग एन अपडेटेड आईटीआर, कि अपडेटेड आईटीआर भरने के कुछ फायदे हो तभी तो हम अपडेटेड आईटीआर भरने को तैयार होने तो क्यों भरे। तो जो 3 बेनिफिट मेरे दिमाग में थे मैंने यहां आपके सामने रखने की कोशिश करी कि अगर आप अपडेटेड आईटीआर भरते हैं तो वो आपको पेनल्टी से बचाएगी। आप कहेंगे अनूप जी पेनल्टी कौन सी होती है। सर सेक्शन 270A में पेनल्टी का प्रावधान है, वो ये कहता है कि यदि आपने रिटर्न नहीं भरी और आपकी टैक्सेबल इनकम थी जिस पर टैक्स भरता था, या आपने रिटर्न भरी पर आपकी एक्चुअल इनकम उससे भी ऊपर है, देन यू मे बी लाइबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा 270A में पेनल्टी दो तरीके से लगती है। एक कहलाती है अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी, वो लगती है 50% ऑफ टैक्स अमाउंट की,
और दूसरी लगती है मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी, वो लगती है टैक्स लायबिलिटी के 200% के बराबर। यानी दोनों पेनल्टीज में जो एक ही सेक्शन में है उनमें 1:4 का डिफरेंस है। यानी अगर आपका केस अंडर रिपोर्टिंग है तो आप 50% पेनल्टी देंगे और अगर मिस रिपोर्टिंग है तो 200% पेनल्टी देंगे। अब ये जो कंपेरिजन है ना, इसको आप करिए अपने 25% और 50% की कैलकुलेशन से जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि आपको एडिशनल टैक्स 25 या 50 देना है। सो यू विल फाइंड कि साहब मेरा अगर मिस रिपोर्टिंग में केस आ गया जिसकी संभावना ज्यादा है, तो आप एज कंपेयर टू मिस रिपोर्टिंग पेनल्टी पे करने के अगर 50% भी एडिशनल टैक्स दे रहे हैं तो यू विल बी प्रोबेबली इन अ सेफर पोजिशन, इन अ सेफर हैंड। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये एक तरीका है समझने का जो किसी असेसी को प्रेरित करे कि उन्हें अपडेटेड ITR भरनी पड़े। दूसरा, दिस विल सेव यू फ्रॉम इंटरेस्ट लायबिलिटी। देखिए दोस्तों, एक सेक्शन है इंटरेस्ट के लिए 234B, ठीक है, और एक सेक्शन है 234A। 234B तो कहां लगता है, जहां आपको एडवांस टैक्स यानी 10,000 या ऊपर टैक्स लायबिलिटी देना था पर आपने अपना टैक्स नहीं पे किया, तो जब तक आपका असेसमेंट होगा क्योंकि आपने रिटर्न भरी नहीं या रिटर्न भरी और उसमें वो इनकम सही नहीं रिपोर्ट करी, तब तक के लिए आप पर सेक्शन 234B का 1% पर मंथ का मीटर चालू है। और 234A कहता है अगर आपने रिटर्न भरनी थी पर नहीं भरी और अब आप मान लीजिए अपडेटेड ITR भी नहीं भर रहे, तो आपको ड्यू डेट के बाद से 234A सेक्शन का भी 1% का मीटर चालू है। तो अगर आप अपडेटेड ITR भरते हैं, उसमें सही टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं, तो आपको 234B का मीटर भी रुकेगा और 234A सेक्शन का मीटर भी रुकेगा। ये एक बेनिफिट। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये मानता हूं अपडेटेड ITR भरने का बेनिफिट तब भी लिया जा सकता है जहां पर आपको लगता है कि मुझे कोई लोन या कोई अदर फैसिलिटी अवेल करनी है और उस पर्पज से मेरे हाथ में एक ITR होना जरूरी है जबकि मैंने ITR भरी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए भी अपडेटेड ITR का कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से बेनिफिशियल हो सकता है। फाइनली दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि अपडेटेड ITR इज अ गुड ऑप्शन अवेलेबल टू द असेसीज वेयर दे कैन कंट्रोल द अनलिमिटेड इंटरेस्ट एंड द पेनल्टी ऑफ सेक्शन 270A टू अ लिमिट टू एन एक्सटेंट। Even if they are paying the additional tax liability, this will ensure that उन्होंने जो अपनी risk थी penalty की और interest की उसको काफी हद तक control कर लिया। So I hope this will be useful. Thank you. यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।